हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको रेडमी 8A फ्लैशिंग करके दिखाएंगे। हमारा फ़ोन हैंगान लोगो है। अगर आपका हैंगान लोगो या ऑटो स्टार्ट प्रॉब्लम है, दोनों फ्लैशिंग से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका MMC हेल्थ का इशू नहीं होगा तो यहां से हम कॉलकॉम वाले टैब पे एक बार क्लिक करके अपनी स्केटर फाइल को यहां से लोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम AT वाली फाइल को लोड करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे फाइल हम लोड करेंगे, सेलेक्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्लस वाले पे क्लिक करके अपने फ़ोन को ADL के थ्रू चिमटी से शॉर्ट करके आपको फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। जैसे आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, आपका फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ टाइम का वेट करना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पोर्ट ले लिया है और हमारा फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि USB ड्राइवर आपको कॉलकॉम वाला इंस्टॉल कर लेना होगा अपने PC में, नहीं तो आपका फ़ोन PC से कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा। फ्लैशिंग में आपका 7 से 8 मिनट समय लगता है पूरी तरह से फ्लैश करने में। फ्लैश होने के बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से सही हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा। आपको हमारे इस YouTube चैनल पे इसी तरह का ढेर सारा वीडियो अपलोड मिलेगा, जिससे आपको किसी भी फ़ोन का FRP हो, अनलॉक हो, फ्लैशिंग हो, आप कर सकते हैं बिना किसी एरर के, बिना किसी डेड रिस्क के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम आपके बीच लेके आते रहें और नए नए वीडियो की जानकारी आपको देते रहें। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और फ्लैशिंग को लास्ट तक होने देते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट होगा, एक बार होके आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपका फ़ोन सही हो जाएगा। अगर उसमें MMC का प्रॉब्लम होगा या हेल्थ इशू होगा तो आपका फ्लैशिंग से सही नहीं होगा। तो आप चेक कर लेना, बाकी फ़ोन आपका फ्लैशिंग से ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो, हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम हो, दूर हो जाता है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें।
हमारी फ़ोन की फ्लैशिंग ऑलमोस्ट होने वाली है, क्योंकि यूजर डाटा हमारा फॉर्मेट होने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट कर जाएगा और रिबूट होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको अगर फ्लैश फाइल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड आप कर सकते हैं।